बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मायरा अमजद एंड आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ गोहर पब्लिशर्स। और मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। स्टूडेंट्स, आपने मूवीज में डायनासोर्स को तो देखा ही होगा, कहीं भूल तो नहीं गए, क्योंकि वो अब नजर नहीं आते, बिकॉज दे आर एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब वो होता है ऐसी स्पीशी या ऐसे एनिमल्स जो कि बिल्कुल नापैद हो चुके हैं, मतलब दोबारा से पैदा नहीं हो सकते, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, पूरी अर्थ में कहीं भी, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मौजूद। इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आपको, डॉल्फिन के बारे में। आप लोग सोचते हैं ना कि डॉल्फिन एक फिश है, नो, डॉल्फिन एक मैमल है। और डॉल्फिन एक मैमल है जो कि पानी में रहता है, क्योंकि हमने तो जो मैमल्स पढ़े हैं वो सब लैंड पर रहते हैं, पानी में नहीं रहते, बट डॉल्फिन ऐसा मैमल है जो पानी में रहता है। एक और बात बताऊं कैंगरू के बारे में, कैंगरू की बॉडी पे बाहर वाली साइड पे पाउच होता है जिसमें वो अपने बेबी को कैरी करता है, और जब उछलता है तो उसका बेबी बाहर नजर आता है। तो एक और बात बताती हूँ बैट के बारे में। आप तो समझ रहे होंगे ना कि बैट एक बर्ड है, नो, बैट एक मैमल है और फ्लाइंग मैमल है। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने इस बुक में सीखी हैं। आप जब बुक के पेज नंबर 15 को देखेंगे, 16 को देखेंगे और 17 को देखेंगे, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आएंगी। एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बारे में। कौन होते हैं कोल्ड ब्लडेड, कौन होते हैं वार्म ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं आउटसाइड के अकॉर्डिंग, जैसे कि फिश, रेप्टाइल्स। बाहर सर्दी हो या गर्मी हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। आपने कभी देखा है कि सर्दियों में फिश बाहर आ जाए? नहीं, सर्दियों में फिश पानी में ही रहती है। पानी ठंडा भी होता है, वेदर कंडीशंस जो है वो एक्सट्रीम भी होती है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, लेकिन फिश पानी के अंदर ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। और हम ह्यूमंस यानी कि मैमल्स क्या हैं? वार्म ब्लडेड। हमें सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, बिकॉज हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, सेम रहता है, डिफरेंट नहीं होता। हम लोग बाहर की वेदर कंडीशन के थ्रू अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते, हम उसके लिए इंतज़ाम करते हैं। सर्दी लगती है तो कपड़े ओढ़ लेते हैं, गर्मी लगती है तो पंखा चला लेते हैं, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। हमारे ब्लड का टेम्परेचर, हमारा बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है थ्रू आउट द सीजन। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आज हमने वर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया है, लेकिन हम जब इनवर्टिब्रेट्स की तरफ जाएंगे तब हमारा टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। होप यू एंजॉय द टॉपिक। अब आप लोगों ने अपनी किसी पुरानी मैगजीन को उठाकर उसके अंदर से तमाम एनिमल्स की पिक्चर्स निकाल के, जो कि वर्टिब्रेट्स हो, अपने उसी स्क्रैप बुक में लगानी है जहाँ पे आपने फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाया था। तो आपने इस तरह से अपनी स्क्रैप बुक प्रिपेयर करनी है और उस एनिमल के बारे में सारे फैक्ट्स भी वहीं पे नोट डाउन कर देने हैं। उम्मीद है आप इस एक्टिविटी को बहुत इंजॉय करेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज।